स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और आज हम गाड़ी चला रहे हैं। दिस इज द टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर और द टोयोटा टाइजर। ये बेसिकली आपने गाड़ी देखी होगी बिकॉज दिस इज द मारुति सुजुकी फ्रॉन्स। ये इनका रीबैज वर्जन है जो इन्होंने गाड़ियां अदला बदली करी थी। तो जो आप मारुति सुजुकी फ्रॉन्स देखते हो और ये गाड़ी एब्सोल्युटली सेम है, कुछ चीजें डिफरेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये नहीं बात करेंगे कि इस गाड़ी में क्या डिफरेंट है उससे या फिर क्या अलग है, थोड़ा तो मैं ऑब्वियसली बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फ्रॉन्क्स और इसमें जो है फर्क क्या है, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में अलग क्या मिलता है। सबसे पहले आगे का ग्रिल जो है इसमें वो अलग है फ्रॉन्क्स से, डीआरएल्स अलग है। साइड में आप आओगे तो साइड में आपको अलॉय व्हील्स जो है वो डिफरेंट मिलेंगे फ्रॉन्क्स से, और अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे ऑब्वियसली आपको बैजिंग और कुछ और चीजें जो है आपको फ्रॉन्क्स से अलग मिलने वाली है। तो यही जो है आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। और हाँ, एक और चीज जो है, टेल लाइट का डिजाइन जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो फ्रॉन्क्स में अलग है और इस गाड़ी में अलग है। दोनों को कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप मिल जाते हैं। तो यही कुछ ज्यादा फर्क है अंदर की तरफ। एक और चीज फर्क है वो है ये टोयोटा का बैजिंग। रेस्ट एवरीथिंग आप जो देख सकते हो आजू बाजू वो सब सेम है। टोयोटा की बैजिंग और टोयोटा जब स्टार्टअप होता है तो टोयोटा लिख के आता है, उसके अलावा अंदर से कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये मुद्दा हुआ कि आपको टाइजर जो है क्यों खरीदनी चाहिए फ्रॉन्क्स के ऊपर। दो तीन चीजें जो मैं जानता हूं जो बेसिकली अगर आप लोग भी अग्री करेंगे। सबसे पहले तो इसका ये बैज या फिर ब्रांड वैल्यू जो कि टोयोटा का है सामने, बिकॉज टोयोटा मींस रिलायबिलिटी। तो ऑब्वियसली लोग ये सोचते हैं कि टोयोटा है तो भाई ऑब्वियसली बहुत रिलायबल होगी, तो ये ब्रांड वैल्यू। सेकंड है इसका जो वारंटी है, इसमें आपको एक साल ज्यादा दे रही है टोयोटा कंपेयर टू द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोग देखते हैं कभी कभी और कभी कभी खरीद भी लेते हैं। बट ओवरऑल अगर आप बोलना चाहते हो, मैं बेसिकली उसके बारे में आज नहीं बात करना चाहता हूं। तो ये कुछ मेरे ओपिनियन थे आपके ऊपर। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आगे आप देख सकते हो आपको मिलते हैं एलईडी डीआरएल, और डीआरएल के नीचे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा हेडलैम्प का हाउसिंग जो कि ऑब्वियसली बंपर में है। पूरा का पूरा एलईडी सेटअप है और आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, एक कैमरा आगे एक कैमरा पीछे, और दो कैमरा आपको ओआरवीएम में मिल जाएंगे। क्लैरिटी जो है वो ठीक ठाक है, मतलब है, क्लियर है, थोड़ा सा और क्लियर हो सकती थी लेकिन काम चल जाएगा। ऐसा कोई वो बहुत ज़्यादा मैं फिर एकदम गिन चुन के बातें करूंगा, लेकिन हाँ कैमरा क्वालिटी इज़ प्रीटी डिसेंट, प्रीटी एक्यूरेट, सेंसर जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आप अगर साइड में आओगे तो आप देखोगे कि आपको बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है चारों तरफ। उसी के साथ आपको अलॉय व्हील्स जो है इसमें डिफरेंट मिलते हैं, तो अलॉय व्हील्स जब रोल होते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बॉडी कलर्ड ओआरवीएम मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल मिल जाएंगे और एक शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। इसमें ड्यूल टोन आता है लेकिन ये जो है सिंगल टोन है, तो इसमें आपको पूरा जो रूफ भी है वो भी ऑरेंज के टाइप में, जो शेड है ऑरेंज में मिलेगा। एंड पीछे अगर आप जाओगे तो आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प मिल जाएंगे, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगती है। एक वाइपर मिलेगा वॉशर के साथ, स्पॉयलर मिलेगा, हाई स्टॉप माउंट लाइट, बैजेस मिल जाएंगे आपको अर्बन क्रूजर टाइजर की, टोयोटा की, ये सबकी बैजिंग मिल जाएगी। और उसी के साथ आपको जो है नीचे देखोगे सेंसर है, और जो कि आपके पार्किंग सेंसर हो गए आपके बम्पर में। एंड अगर बूट आप जैसे खोलोगे तो आप नोटिस करोगे कि चार से पांच लोगों का आप लगेज आराम से रख सकते हो, चार लोगों का आराम से, पांच लोगों का थोड़ा सा टाइट स्क्वीज हो सकता है, लेकिन बूट प्रीटी डिसेंट है, काफ़ी जगह है बूट में। अब ये फिनिश करता है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर की तरफ आपको जो है, जैसे मैंने बोला था बैच के अलावा कुछ नहीं डिफरेंस है, तो यहाँ पे 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे एक एमआईडी स्क्रीन, दो एनालॉग मीटर्स मिल जाते हैं, एक स्पीडोमीटर है, एक टैकोमीटर है, और फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज भी आपको जो है एनालॉग ही मिल जाएगा, इसमें डिजिटल नहीं मिलता है। मेरे सामने एक हेड्स अप डिस्प्ले है जो कि आपने देखा ही है मारुति की गाड़ियों में, और यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिल जाती है। तो ये हेड्स अप डिस्प्ले ऐसे खुलता है, विंडस्क्रीन पे नहीं रिफ्लेक्ट होता है, इसके अलग से ग्लास दी गई है, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स है, बहुत ही क्लियर है ये, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब काफ़ी क्लियर है, इनफैक्ट काफ़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन भी दे देता है ये। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है काफ़ी प्रिसाइज है। यहाँ पे आपको तीन बटन दिए गए जिससे वॉइस कमांड, कॉल उठाना और कॉल ड्रॉप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसी के साथ ये जो 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके नीचे आपको एसी वेंट मिलेंगे और उसके नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, जिसमें स्क्रीन दी गई है, ऑब्वियसली सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। चार्जिंग के ऑप्शन की बात करें तो 12 वोल्ट पीछे की तरफ, और यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा आपको। कप होल्डर्स, ये ऑटोमेटिक गाड़ी, इसमें मैनुअल भी आती है, तो ये आपका ऑटोमेटिक लीवर। थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस आपको इसके अंदर भी मिलने वाला है, इसका अमरेज जो है स्लाइड करके थोड़ा आगे ले सकते हैं। और अगर हम डैशबोर्ड के बिल्ड की बात करें तो इसमें चार अलग अलग कलर के जो है आपको, मतलब जैसे बेसिकली डुअल टोन होता है, ट्रिपल टोन होता है, इसमें आपको चार टोन के कलर मिलेंगे जो कि मैट सिल्वर, हल्का सा ये ब्राउन टाइप का, और ब्राउन मतलब
इन्होंने काफी अच्छे से चीजों को करने की कोशिश करी है। एंड एक चीज और, दिखने में तो लगेगा सॉफ्ट टच लेदर है लेकिन है नहीं, हार्ड प्लास्टिक है लेकिन काफी गुड क्वालिटी का प्लास्टिक है, ये तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं कि काफी मतलब स्टर्डी लग रहा है। सिर्फ एक जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल मौजूद है, वो है यहाँ पे जहाँ आप अपना एल्बो रखते हो गाड़ी चलाते टाइम, ये डोर हैंडल के पास, तो यहाँ पे जो है आप जब रखते हो तो आपको ताकि चुभे ना गड़े ना, तो इसीलिए आपके पास जो है वो डोर हैंडल पे सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया। उसके अलावा आपको सॉफ्ट टच मटेरियल कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है गाड़ी की। और अगर बात करूं मैं पीछे के साइड पे, तो आपको देख सकते हो तीन हेडरेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है आपको एक सेंटर आर्म रेस्ट देना ही चाहिए। कप होल्डर हो ना हो लेकिन सेंटर आर्मरेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोग जा रहे हैं तो सेंटर आर्मरेस्ट खोल के आराम से रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे पीछे आपको एक और चीज एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको एसी वेंट जरूर मिल जाएंगे यहाँ पे, और उसका ब्लोअर कंट्रोल करने का भी ऑप्शन है, तो पीछे कैबिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एसी मैंने देखी अभी 26 पे रखा हुआ है और 26 पे भी ये बहुत अच्छे से ठंडा कर रहा है, एक एसी का फैन जो है एक पे चल रहा है। तो मारुति का एसी मतलब मैं सही बताऊं टोयोटा का भी एसी बहुत ही पावरफुल है, तो सिंस ऑब्वियसली सेम कार है, तो मतलब मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि एसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कितनी भी गर्म दिनों आपकी जो है कार तुरंत ठंडी जाएगी। और ये जो ग्लास आप देख रहे हो साइड में, ये ग्लास यूवी का ग्लास है जो स्लाइटली ग्रीनिश होते हैं जो कंपनी से आते हैं, तो ये बेसिकली यूवी रेस को रोकते हैं, तो गाड़ी जो है कम गर्म भी होती है। आई विश सामने की तरफ पीछे की तरफ भी कोई ऑप्शन होता ताकि मतलब इतनी ज्यादा धूप अगर अभी तो नहीं है लेकिन जब होती है तो ये ग्लास जरूर काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। उसी के साथ अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसके इंजन में, हाँ इंजन की बात करने से पहले एक बार ये फ्रंट सीट की बात कर दूं। फ्रंट सीट जिसमें मैं बैठा हूं यानी आगे के दोनों सीट है, ये काफी अच्छी है, बकेट सीट है, साइड बोस्टिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी, एकदम आपको पकड़ के रखती है। बहुत ज्यादा चौड़ा आदमी होगा तो उसको शायद ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा अड़ेगा, बट मैं आराम से फिट आ गया हूँ, मेरी हाइट 6'1" है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं थोड़ा सा ब्रॉड भी हूँ तो उस हिसाब से मैं एकदम सीट पे बैठ चुका हूँ, और ये क्योंकि साइड बोस्टिंग इतनी अच्छी है तो आप जो है सीट से बाहर नहीं आते हो, काफी कंफर्टेबल सीट्स है, लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत ही अच्छी है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक सीट्स है, लेकिन ओवरऑल गुड फिनिश एंड वेरी कंफर्टेबल। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन आपको इसमें एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि इसमें है, 998 सीसी का इंजन है, टर्बो पेट्रोल इंजन है, प्रोड्यूस करता है अराउंड 100 पीएस ऑफ पावर एंड 148 एनएम ऑफ पीक टॉर्क। पावर और टॉर्क जो है वो प्रीटी डिसेंट है फिगर्स अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो, लेकिन अगर मैं इसके गियर की बात करूं, जो गियर लीवर है इसमें आपको एक मैनुअल भी मिलता है, इसमें ऑटोमेटिक भी मिलता है। ऑटोमेटिक आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्ट मिलेगा जो हम आज चला रहे हैं, इसमें मैनुअल मोड है, पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, तो है तो बढ़िया गियर बॉक्स इतना मैं बोलना चाहूंगा। अभी जैसे मैं आराम से 35-40 पे चला, लेकिन जैसे मैं फ्लोर करूंगा इसको आप देखेंगे एक गियर शिफ्ट होगी और 3000 के बाद ये एकदम रॉकेट बन जाती है और इसका रेड लाइन जो है 6200 के आसपास है। तो ये बोलना चाहूंगा कि इनिशियल जो लीनियर एक्सेलरेशन है इनिशियली, लेकिन आपका मिड रेंज और टॉप एंड जो है वो काफी स्ट्रांग होने वाला है। इसका एक 0-100 हम करेंगे जो हम लोग अपने इंस्टाग्राम रील और आपके यूट्यूब शॉर्ट्स में डालेंगे, तो वहां जाके जरूर देखिएगा कि टोयोटा टाइगर का 0-100 टाइम क्या होने वाला है। उसी के साथ बोलना चाहूंगा स्टीयरिंग व्हील तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील चलाया एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में जिसका स्टे मतलब आप देख रहे, मतलब जरा सा आप लेफ्ट राइट करिए और ये गाड़ी लेन चेंज कर देती है। आई मीन पता है इतना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा बहुत स्पीड कर रहे हैं और आपको एक लेन चेंज करना है दूसरे लेन चेंज में, तो आपको मतलब वो एक स्टेयरिंग में लैग नहीं फील होता, मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग व्हील है, तो एक काफी अच्छी चीज लगी। स्टेयरिंग व्हील काफी डिसेंटली वेट भी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई लाइट स्टेयरिंग व्हील है या फिर बहुत ज्यादा हैवी स्टेयरिंग व्हील है, समवेयर इन बिटवीन है, काम कर देगा आपका। लेकिन सही में बोलना चाहूंगा गुड स्टेयरिंग व्हील, फ्लैट ओवर स्टेयरिंग व्हील और रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। इनफैक्ट इसके सस्पेंशन भी अच्छे हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, कंफर्ट लेवल अलग ही लेवल पे कंफर्ट है, और अगर आप कॉर्नर लेना चाहते हो थोड़ा हाई स्पीड में तो वो भी आप आराम से ले सकते हो, ये सस्पेंशन उस चीज़ को अलाउ कर देती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें टाइजर काफी सॉर्टेड गाड़ी है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है 7.8 लाख से चालू होकर 13.5 लाख तक जाता है। ये टॉप एंड वेरिएंट है तो ऑब्वियसली ये हायर प्राइस वाला है, लेकिन आप डेफिनेटली अगर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इतने सारे फीचर्स मिले तो आप एक डेफिनेटली एक बार जाकर टोयोटा टाइजर देख लीजिए। टोयोटा का नाम अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, मारुति खराब नहीं बोलूंगा कि मारुति खराब है, लेकिन कुछ लोग ऐसा लगता है टोयोटा खरीदना चाहिए क्योंकि टोयोटा रिलायबल है,
गाड़ी सेम है, मैं बोलना चाहूंगा कोई डिफरेंस नहीं है। बस वही जैसे मैं बोल रहा था कि सर्विस में थोड़ा सा फर्क है, टोयोटा ज्यादा आपको एक साल की सर्विस और देगी और ब्रांड वैल्यू अगर कुछ लोग देख रहे तो वो देख के ये खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज अगर आपको ये गाड़ी के बारे में कुछ और जाना है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज दीजिए, हम लोग आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए मैं प्रोमेश सारण करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।